अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। 3 अगस्त को श्रावणी मास के अंतिम सोमवार पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन त्योहार मनाई जाएगी। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का प्रतीक है और इस दिन बहना अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। वही देवघर में रक्षाबंधन को लेकर राखी का बाजार सज चुका है और बाजारों में खरीदार नहीं है। इस बार लॉकडाउन होने के कारण जहां खरीदारों में कमी आई है, वही राखी के कीमतों में भी भारी गिरावट देखी गई। अवनिश की रिपोर्ट। केसरी है, मैं यहां 15 साल से राखी का दुकान लगा रहा हूं। हर साल जिस तरह का सेल होता है उस तरह का 1% सेल नहीं है राखी का। कोरोना को लेके पूरा मार्केट में महामारी फैला हुआ है, कोरोना ये सब कोई जानते हैं। कोरोना के कारण लोग बाजार नहीं आ रहे हैं, राखी की बिक्री नहीं हो रही है। तो पूंजी का तो पता नहीं, जिस तरह हर साल लगाते हैं उससे तो आधा पूंजी लगाए हैं और इस बार मार्केट भी देख रहे हैं उस हिसाब का नहीं है। मुझे नहीं लगता कि पूंजी भी निकलना पॉसिबल होगा। अपना नाम बताओ। सौरभ कुमार केसरी। जाते थे चलो राखी पी लेंगे, मार्केट घूम लेंगे, अभी तो जहाँ मिल रहा है घर के पास मिल रहा है वहीं ले ले रहे हैं। बहुत फर्क पड़ा है दुकानदारी में हम लोग का। लॉकडाउन लगा है भैया, हमका पनका राखी बिक रहा है, पहले से हमका पनका कम बिक रहा है। हाँ कम बिक रहा, मतलब पहले ऐसा नहीं है। पहले से नहीं था? हाँ पहले बहुत अच्छा रहता था, बोलबम लोग भी आता था ले जाता था। ये सब पूंजी का क्या है? अगर पूंजी लगाए हैं हल्का पल्का उठा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।